महामारी के मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं फारूक अकबानी विदर्भ रूरल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना 2022 और 23 का बजट पेश किया। हम सभी लोगों को बहुत ही उनसे उम्मीद थी कि अभी जो पेंडेमिक जो है माहौल में वो व्यापारियों को उद्योगों को बहुत राहत देंगी, लेकिन बहुत ही निराशा हुई कि उन्होंने जो अपना बजट पेश किया उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिससे हमें लगे कि हमारे उद्योग और छोटे व्यापारी को जो है फ़ायदा होगा और वो अपने इस कठिन घड़ी से और इस अपने आज के जो है कर्जों से वो बाहर उनको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि हमने GST के उसमें कहा था कि भाई आज GST के स्लैब में कुछ बदलाव भी करना चाहिए और उसमें कुछ कमी भी करना चाहिए ताकि हमारे व्यापारियों को और हमारे उद्योगों वालों को जो है उससे फ़ायदा हो, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। इसी तरह हमने IT रिटर्न के बारे में जैसा जो है कि भाई 2 महीने के लिए जो आपने रिटर्न जो है भरने में अगर कुछ गलती है तो उसको आप डबल से जो है उसको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कदम है। उसके साथ में हमारी जो है सरकार से यही जो है प्रार्थना है कि भाई उस पर कोई टैक्स या अलग से कोई पेनल्टी और ये ना लगाया जाए, सरचार्ज वगैरह, ये हमारी उनसे जो है दरख्वास्त है। इसी प्रकार जो आज MSMEs को उन्होंने जो है 1 साल के लिए उनके जो है अपने जो उनकी जो उनको जो फैसिलिटीज दी जा रही थी वो बढ़ाई जा रही है। हमारी बहुत टाइम से लोग आपके साथ में जो है सरकार को कहा गया है कि भाई पुराने उद्योग जो या तो बंद हो चुके हैं या कर्जों में पूरी तरह डूब चुके हैं, ख़ास करके उन उद्योगों को भी जो है बहुत सी रिलीफ दिया जाए ताकि वो फिर से डबल से अपने कदमों पर चल सके। सिर्फ कर्ज़ा देने से उसका मसला हल इसलिए भी नहीं होता है कि और कर्जदार जो है और कर्जे में डूब जाता है। हम चाहेंगे कि उनके लिए भी अगर कुछ पैकेज रहता तो बहुत बड़ी बात थी। पेट्रोल के रेट भी हमें लगता है कि 2 रुपये और बढ़ जाएंगे, जो महंगाई पहले से बढ़ी हुई थी उसी में और भी बढ़ जाएंगी। ये हमारे जो है हमारे अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।